हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए हैं 7 और 8 जनवरी के करंट अफेयर से। दोस्तों, हमारा जो वीडियो है इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज पर और मैंने इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जो साइट है उसका एड्रेस है @sumant.com। दोस्तों, हमने SSC के लिए, बैंक के लिए, UPSC के लिए और जो गवर्नमेंट एग्जाम दोस्तों उसके लिए हमने अपने प्रिंट आउट लॉन्च कर दिए हैं। आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं हमारे साइट पर जाकर के या आप इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो इस कोर्स संबंधित, इसकी भाषा, इसके सब्जेक्ट संबंधित, तो आप इसे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने सवालों की तरफ। ये दोस्तों आई है न्यूज़ द हिंदू में, मनकिंदिया डिनाइड हैबिटेट इन सिमलीपाल। दोस्तों, सिमलीपाल कहाँ है ये बताना है। देखिए, यहाँ पर कई बातें मेंशन की गई हैं। पहला है सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में, दूसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में, और इस न्यूज़ की आप पहली लाइन पढ़िए, मनकिंदिया वन ऑफ द 13 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG इन उड़ीसा। तो आपसे UPSC सिंपल सवाल ये पूछ सकता है कि ये जो मनकिंदिया है वो आखिर ये क्या है। पहला ऑप्शन रहेगा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, दूसरा ऑप्शन रहेगा इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन रहेगा एक NGO और चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या है। ये क्या है, एक ट्राइबल ग्रुप का नाम है। कहाँ है दोस्तों, दे लिव इनसाइड द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों, इशू क्या है, इशू ये है कि दे वेयर डिनाइड हैबिटेट राइट्स इनसाइड द रिजर्व अंडर द हिस्टोरिक शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स राइट एक्ट। मतलब कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है दोस्तों, इसके अंतर्गत उन्हें जो डिवेलर राइट है वो उन्हें डिनाई किया गया है। जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो हैबिटेट है वो डिफाइन किया गया है। दोस्तों, जो मनकिंदिया है वो क्या है, इट इज़ अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप दैट क्रिटिकली डिपेंड्स ऑन मेकिंग रोप विथ सियाली फाइबर दैट इज रिचली अवेलेबल इन सिमलीपाल। देखिए, पहला सवाल तो ये होगा कि आपको इसका नाम दे देगा, दूसरा सवाल ये होगा कि आपको इसकी प्रॉपर्टी देगा। पहली प्रॉपर्टी आपको ये देगा कि ये जो है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में रिसाइड करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये देगा कि ये एक मार्जिनलाइज ग्रुप हैं या एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये दे देगा कि दे आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन मेकिंग रोप विथ सियाली फाइबर डैट इज रिचली अवेलेबल इन द सिमलीपाल। आपको ये तीन प्रॉपर्टी दे करके वो ये कहेगा कि जो ये जो ग्रुप है इसके बारे में आप बताइए, इसका नाम बताइए कि वो कौन सा ग्रुप है। पहला नाम दे देगा आपको मनकिंदिया, दूसरा नाम दे देगा आपको असुर, तीसरा नाम दे देगा आपको कुछ और जनजाति का नाम, और चौथा नाम दे देगा आपको कुछ और। ठीक है, आपको पहचानना रहेगा इन प्रॉपर्टी के हिसाब से कि वो ट्राइबल ग्रुप कौन सा है। तो इस तरह सवाल फ्रेम होते हैं। पहला सवाल हमारा होगा इस पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। इतना मैंने डिस्कस किया क्यों, ताकि आपको जो न्यूज़ पढ़ना है वो पता लग सके कि हमें आखिर हम न्यूज़ जब पढ़ते हैं तो उनमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे कैसे सवाल फ्रेम हो सकता है हमारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्टिव्स आर ट्रू इन जनरल अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रैवल ग्रुप्स PVTGs जो होते हैं उनके बारे में उनके क्या क्या खूबियां हैं आपको ये पहचाननी है। दे आर लेस डेवलप्ड एंड मोर वल्नरेबल एमंग द ट्रैवल ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, मेरा पहला सही है। दे आर रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड। जी हाँ दोस्तों, वो फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं। मेरा सेकंड सही है। देयर पॉपुलेशन इज स्मॉल। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो संख्या वो काफ़ी कम होती है। मेरा थर्ड सही है। अनलाइक मोस्ट अदर इंडियन स्क्रिप्ट देयर स्क्रिप्ट हैव नो कनेक्शन टू एंशियंट ब्राह्मीन स्क्रिप्ट फैमिली। उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, उनका कोई लैंग्वेज भाषा नहीं होता। दे हैव नो लैंग्वेज, दे हैव नो रिटन लैंग्वेज। यहाँ पर ध्यान देना, दे हैव नो रिटन लैंग्वेज। मेरा फोर गलत है दोस्तों। तो क्या हो मेरा आंसर यहाँ पर, A 1, 2 and 3 ओनली आर करेक्ट। दोस्तों, हम लोग जो हिंदी लिखते हैं ये हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, इंग्लिश ये किस लिपि में लिखी जाती है, आपको ये बताना है। तो अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि जो ढेबार कमीशन है उसके बारे में, इन 1973 दिस कमीशन क्रिएटेड PTGs, ठीक है, एज अ सेपरेट कैटेगरी। तो आपको इस वाला और दे सकता है कि ये जो देवार कमीशन है वो किस संबंधित है। पहला रहेगा आपको पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप से, दूसरा रहेगा रिफॉर्म इन इंडियन आर्मी, तीसरा आपको दे देगा रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये चौथा आपको दे देगा नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा दोस्तों, पहला होगा, है ना, ऐसे सवाल होता है। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर अबाउट प्रोटेक्टेड एरिया एंड फाउना फाउंड एमंग देम। पहला है सिमलीपाल नेशनल पार्क, दूसरा है नोकरेक, तीसरा है बेतला। सिमलीपाल दोस्तों कहाँ है, ये
है दोस्तों ये उड़ीसा में, ये दोस्तों फेमस है इंडियन बेसन के लिए, इसे हम लोग गौर भी कहते हैं। मेरा पहला सही है, नोक्रेक बायस फेयर रिजर्व दोस्तों ये फेमस है रेड पांडा के लिए। ध्यान देना, रेड पांडा जो है वो नोक्रेक के अलावा मानस में और जो कंचनजंगा है वहाँ पर पाया जाता है। मानस कहाँ है दोस्तों? ये आसाम में है। कंचनजंगा कहाँ है आपको ये बताना है। दोस्तों बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है, आपको उस नेशनल पार्क का नाम बताना है। बेतला कहाँ है दोस्तों? इट लोकेटेड इन झारखंड, और यहाँ पर जो माउस डियर है वो पाया जाता है। तो मेरा थर्ड सही है, यहाँ पर है माउस डियर। मेरा सेकंड सही था दोस्तों, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। क्या आंसर? डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों मैं करूँगा क्या कि हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं उसके बारे में बनाऊँगा एक नोट्स, ठीक है, और मैं इसे अपनी जो साइट है उस पर मैं अपलोड कर दूँगा। देखिए अभी मैंने इसका बनाया भी था @sumant.com, यहाँ पर जो पोस्ट है उसे भी मुझे केवल पोस्ट करना है। देखो ये रेडी है, इसे मैं अभी केवल पोस्ट करूँगा और ये आपको जो पूरा आर्टिकल है मिल जाएगा। इसमें आपको दिखेगा कि भटकरने का नेशनल पार्क है, नामडाफा है ना, सबके बारे में हमारी चीज़ें मेंशन कर रखी। काजीरंगा है यहाँ पे, फिर मानस है। मानस क्या दोस्तों? इट इज़ नेशनल पार्क एंड इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को, ये क्या है, ये एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो बातें देख लीजिए क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर। दिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड वाटर बफेलो। यहाँ से बहती है मानस रिवर, इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो सारी बातें जो मैंने इसको मेंशन कर दी है यहाँ पर, नोक्रेक के बारे में दे रखा है, इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, ठीक है। तो बाकी बातें भी यहाँ पर, केवला देव है, न्योरा नेशनल पार्क, सुंदरबन। तो इस तरह दोस्तों जो सारी होंगे सब मिल जाएगा आपको, इसमें मैं फोटो भी डाल दिया करूँगा, ठीक है, तो इसे पढ़ सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैव बीन डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दूसरा है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दोस्तों ये जो एक्ट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, इसका मैं भी कुछ आर्टिकल लिख करके साइट पर डाल दूंगा। जो प्रीलिम्स का सेक्शन है दोस्तों वहां पर आपको ये सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। फायदा क्या होगा, आपको समय कम लगेगा और आप उससे पढ़ करके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो दूसरी का आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, बी इज राइट आंसर। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर FRA 2006 एज द एरिया ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ये जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होती है वो क्या होती हैं? ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज का एरिया होता है विच आर केप्ट एज इन वायोलेट फॉर द पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या आंसर मेरा? बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, PVTG पर्टिकुलरली वेलेबल ट्राइबल ग्रुप्स असुर है, बिरहोर है, कोरावा है, दीज आर फाउंड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट, किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों ये राज्य है झारखंड। मेरा क्या है आंसर? सी, 9 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप इन झारखंड। कौन कौन सा है? असर है, माल पहाड़िया है, फिर बिरहोर है, ब्रिजिया है, फिर पहाड़िया है, कोरावा है, सांवर है। देख रहे हैं यहाँ पे सारे क्या हैं, ये सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं, PVTGs हैं। अगला सवाल देखते हैं, अराल सी किस कंट्री के बीच में है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देखिए यहाँ पर ये नीचे है उज्बेकिस्तान, ऊपर है कजाकिस्तान। क्या आंसर दोस्तों? कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये है बीच में हमारा अराल सी। मेरा आंसर है ए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द रीजन वेयर एज इफेक्ट इज ऑब्जर्व। दोस्तों एज इफेक्ट आपको पाया जाएगा हमारे इकोटोन में। सर इकोटोन क्या होता है? दोस्तों जहाँ पर दो डाइवर्स इकोसिस्टम्स मिलते हैं वो होता है इकोटोन। देखिए ये है हमारा नदी, ठीक है, नदी जाकर के मिल गया समुद्र में, ठीक है। तो ये कहते दोस्तों जो रिवर है वो क्या है? रिवर है फ्रेश वाटर की इकोसिस्टम, और ओशियन, ओशियन क्या है? ये है सलाइन वाटर सिस्टम, है ना, SALINE, सलाइन नमकीन वाटर, है ना। तो जो ये जो एरिया होगा जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे ये क्या होगा? ये बनेगा इकोटोन। इट इज़ अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। तो व्हाट इज एज इफेक्ट? इट इज़ एन इफेक्ट इन विच जो
इकोटोन होता है, जो मीटिंग पॉइंट होती है दो इकोसिस्टम की, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो आसपास के एरिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज एंड लार्जर पॉपुलेशन डेंसिटीज इन इकोटोन। ठीक है दोस्तों, मेरा क्या है आंसर, ए इज़ राइट आंसर। यहाँ पर मैंने आपको समझाया दो चीज़ें, पहला कि एज इफेक्ट क्या होता है, दूसरा इकोटोन क्या होता है, भूलना मत। अगला सवाल, ये सवाल दोस्तों है कोल्ड वेब पे, ये क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले डिस्कस कर लिया है, देख लेते हैं आज हम लोग दोबारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अवे फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, स्नोफॉल इन द नियर बाय हिमालयन रीजन, कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन, विच ऑफ द एबव इज और आर करेक्ट रीजंस फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सेशन। ठंड के दिनों में नॉर्थ इंडिया में अत्यधिक ठंड पाई जाती है, क्यों, क्या कारण है? मेनली तीन कारण है। पहला कारण ये है कि जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, यूपी वगैरह हो गया, तो क्या दोस्तों, ये सब जो समुद्र हैं उससे दूर हैं, है ना, तो इस पर जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है सी का, वो नहीं पाया जाता। महाराष्ट्र है, आंध्रा है, गुजरात है, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट कम देखने को मिलती हैं, जो ठंड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी अंदर के जो एरिया होते हैं महाराष्ट्र, ये हमारे जो पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह होता है वहाँ पर, क्यों, क्योंकि जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पर सी का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो वहाँ का क्लाइमेट अफेक्ट करता है। तो मेरा पहला सही है। स्नोफॉल इन नियर बाय हिमालय रीजन, जी हाँ दोस्तों ये भी सही है। कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन, कौन सा, कैस्पियन सी हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, वो वाला, मेरा थर्ड सही है। मेरा क्या आंसर, डी 1, 2, 3 आर करेक्ट। INS अरिहंत लेफ्ट क्रिपल्ड आफ्टर एक्सीडेंट, यहाँ पर मैं आपको अगर कहूँ कि INS अरिहंत क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एक सबमरीन है, क्या है दोस्तों आंसर, इसका आंसर ये है कि ये एक सबमरीन है, इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, क्या है, ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है। अरिहंत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म विद इन इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड। दोस्तों जब भी कोई कंट्री तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म से न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने में सक्षम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उसने एक न्यूक्लियर ट्रायड विकसित कर ली है। सर तीन प्लेटफॉर्म क्या, पहला प्लेटफॉर्म होता है एयर से, दूसरा होता है लैंड से, तीसरा होता है सी से। दोस्तों अगर आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री ने आप पर एटम बम से अटैक किया है, ठीक है, तो आपको सेकंड स्ट्राइक करना है, मतलब कि आपको रिटेलिएट करना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, ये कब आएगी, जब आपके पास कोई ऐसा मीडियम रहेगा जो उसके एटम बम से दूर रहे। वो मीडियम कौन होगा, वो मीडियम होते हैं हमारे सबमरीन्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, उस तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है, और उससे जो स्ट्राइक करने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो एक मोबाइल प्लेटफॉर्म होता है, क्या होता है, मोबाइल, मतलब कि वो मूव करता रहता है हर वक्त, ठीक है ना। तो क्या दोस्तों, अरिहंत एक न्यूक्लियर सबमरीन है, और ये पार्ट है किसका, ये पार्ट है हमारे न्यूक्लियर ट्रायड का। इट इज़ बिल्ड अंडर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। तो और देखिए यहाँ पर मेंशन किया चक्रा के बारे में, चक्रा क्या है दोस्तों, INS चक्रा इज द न्यूक्लियर सबमरीन विच इज लीज्ड फ्रॉम इंडिया, ये क्या किया गया है, रशिया से हमने लीज लिया है। और दोस्तों अरिहंत क्या है, अरिहंत को हमने यहीं पे इंडिया में बनाया है, इट इज इंडिजिनसली मेड। चलिए सवाल देखते हैं, विथ रेफरेंस टू स्कॉर्पियन सबमरीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला है इट इज एन इंडिजिनियस सबमरीन बिल्ड बाई DRDO। दोस्तों इसे DRDO ने नहीं बनाया है, इसे बनाया है DCNS ने, कहाँ का, फ्रांस की कंपनी है। मेरा पहला गलत हो गया, मैंने क्या किया, ए काटा और मैंने सी काटा। सेकंड देखते हैं, इट इज रन बाय न्यूक्लियर फ्यूल्ड पावर इंजन, नहीं दोस्तों इनमें होते हैं दो इंजन, डीजल और इलेक्ट्रिक, मगर दोस्तों इट इज नॉट पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूल। मेरा सेकंड गलत हो गया, मैंने क्या किया, बी को मैंने कर दिया एलिमिनेट, डी मेरा आ गया आंसर, नन ऑफ द एबव आर करेक्ट। चलिए अरिहंत, INS अरिहंत इज द कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है, मेरा सी है, थ्री है जो, ये भी गलत है। अगला सवाल,
With reference to K4 ballistic missile, consider the following statements. It is nuclear capable submarine launched ballistic missile. Kya baat sahi hai? Ji haan ji, pehla sahi hai. It has been developed under integrated guided missiles program. Nahi doston, ye kya hai? Ye ek SLBM hai, submarine launched ballistic missile, and it is part of K family of missiles. मेरा आंसर है यहाँ पर ए वन ओनली इज करेक्ट. अगला सवाल देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फेयर रिजर्व्स इन इंडिया आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम लिस्ट. ठीक है, पहला तो सवाल आपको ये पूछना चाहिए इस एक लाइन को पढ़ करके कि ये जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व है वो किस पर बेस्ड है. इट इज़ बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यूनेस्को मैब, MAB. ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से नेशनल पार्क है दोस्तों, इनमें से जो सात पार्क हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इसी में हैं. सुंदरबन, नंदा देवी, नोक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अंचन कामर, और सातवां है नीलगिरी. मेरा क्या दोस्तों आंसर डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साइट्स आर करेक्ट. साइट्स क्या दोस्तों, साइट्स इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना. जब हम कहते हैं फ्लोरा, ये क्या होता है दोस्तों, ये होते हैं हमारे फूल पत्तियाँ, और फाउना क्या दोस्तों, फाउना होता है हमारे स्पीसीज, हमारे जो एनिमल्स हैं वो. साइट्स इंटर किया फोर्स में 1975 में, एंड इट बिकेम द ओनली ट्रीटी टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन वाइल्ड. पहला लाइन देखते हैं, इट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड. क्या बात सही है, जी हाँ दोस्तों, मेरा पहला सही है. US इज नॉट ए पार्टी. नहीं दोस्तों, US भी इसका पार्टी है. इसमें टोटल 183 देश जो हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं. मेरा सेकंड गलत हो गया. मैंने क्या किया, ए काटा, बी और डी काट दिया. क्यों, क्योंकि दो है जो ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है. क्या है मेरा आंसर, सी, वन एंड थ्री ओनली आर करेक्ट. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वाशिंगटन कन्वेंशन. चलिए अगला सवाल देखते हैं. बूस्ट टू ग्रेविटेशनल वेव स्टडी, ये आई है तहिंदू में. इंडिया टू सेटअप ऑब्जर्वेटरी विच इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फंक्शनिंग बाई 2025. अब आपको बताना है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल वेव है वो क्या है. दोस्तों जब भी आपने पढ़ा होगा इस वेव के बारे में, तो सबसे कॉमन डेफिनेशन देते हैं वो लोग कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम. बोलने वाला तो बोल कर निकल गया, अब आप समझते रहिए क्या कहने वाला है वो. कहना ये चाहता है वो कि जब भी वो कहता है स्पेस, कहता है फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, इसका मतलब ये है. अच्छा, आपने जब मैथ पढ़ा होगा अपने बेसिक क्लासेस में, मतलब कि 8th, 9th, 10th में, आपने देखा होगा दो एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, दूसरा होता है एक्स एक्सिस. ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई. ठीक है दोस्तों, अगर कोई ग्राफ केवल एक लाइन है तो क्या है, इट इज़ वन डायमेंशनल. इसका जो वाई है वो वेरी नहीं कर रहा है, इसका जो केवल एक्स है वो वेरी कर रहा है. यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू टू है ना. तो अगर हम कहते हैं कि इट इज़ अ फैब्रिक ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये बात सही होगी. अगर हम कहते हैं फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसका मतलब ये है कि मेरे एक कोऑर्डिनेट पर है स्पेस और दूसरे कोऑर्डिनेट पर है टाइम. ठीक है, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो क्या होता है, टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारा जो स्पेस में जो चेंज है वो हमें देखने को मिल रहा है. मैं यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर गया, ठीक है, ऐसा हो रहा है. अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो क्या हुआ, हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया मगर मेरा स्पेस जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है ना, ये होता है स्पेस टाइम का फैब्रिक, मतलब कि ग्राफ. अगर मैं कहता हूँ कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, ये कहने का मतलब है ये देखो, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये है हमारा ग्राफ. ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं ना, ये वाला आप ऐसा, ये वाला है. तो अगर हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव क्या दोस्तों, अगर इसमें कुछ चेंज होता है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, तो क्या होता है, यहाँ पर एक रिपल क्रिएट होती है. यही रिपल है हमारा ग्रेविटेशनल वेव. देखिए, आपको पता है कि जो कूलाम फोर्स है वो क्यों होता है. कूलाम फोर्स क्यों होता है, क्योंकि दो चार्ज के बीच में, देखिए दो जो चार्ज है ना उस पर
दो पार्टिकल्स पर चार्ज है, एक पर है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर है नेगेटिव चार्ज, क्या होगा? दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों का चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है या दोनों का चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा? दोनों चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यह होता है कूलम्स लॉ, यह होती है कूलम्ब फोर्स की प्रॉपर्टी। कूलम्ब फोर्स क्या होता है? कूलम्ब फोर्स यह होता है कि जो चार्ज के द्वारा अप्लाइड फोर्स है वो, देखिए यह होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू वन हो गया चार्ज, क्यू टू हो गया चार्ज और आर हो गया उनके बीच की दूरी, और ये हो गया फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकेंड चार्ज। चलिए ये तो हो गया हमारे हमारा ग्रेविटेशनल वेव। सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या पूछ रहे थे। विथ रेफरेंस टू लीगो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज एन ऑब्जर्वेटरी फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। जी हाँ दोस्तों, मेरा पहला सही है। इट इज अ कोलेबोरेशन बिटवीन नासा एंड ईएसए। नहीं दोस्तों, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है दुनिया की वो मिलकर के इसे बना रही हैं, मेरा सेकंड गलत है। इट इज प्लेस्ड इन स्पेस। नहीं जी, ये धरती पर ही है, मेरा थर्ड गलत है। क्या है आंसर मेरा? ए वन ओनली इज करेक्ट। लीगो विल बी बिल्ट इन कोलेबोरेशन विथ यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब। बाकी बात आपको मैंने बता दी है दोस्तों। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2017 प्रीलिम्स में ये, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ईलिसा इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। आपको चीज दिखाता हूं, देखो ईलिसा। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि जो यूपीएससी है ऐसे सवाल लाता कहां से है, ऐसे सवाल वो फ्रेम करता कहां से है। ये दोस्तों ये सवाल आया था कब? ये सवाल आया था आपका जो, देखिए जून 2016 में द हिंदू में ये क्वेश्चन आया था और इसका मैंने बनाया है नोट्स लीजा पाथ फाइंडर का। तो दोस्तों इस तरह आपको जो न्यूज़ आते हैं द हिंदू में आपको उसी का नोट बनाते जाना है और उसको आपको रिवाइज करते जाना है। लीजा पाथ फाइंडर का दोस्तों, इट इज़ एन ईएसए स्पेसक्राफ्ट दैट वाज लॉन्च्ड ऑन दिसंबर 3, 2015। यहाँ पर आपको मैंने मेंशन किया है ई लीजा के बारे में, देखो ये यहाँ पर नीचे है ई लीजा, previously called laser interferometer space antenna and it is proposed European Residency mission designed to detect and accurately measure gravitational wave. देखो ऐसे ऐसे आपको short notes बनाने हैं, ये आपको prelims में काफ़ी help करेंगे, आपको जो दो नंबर का सवाल है आप आराम से कर पाएंगे इस तरह का। दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यहाँ पर B, to detect gravitational waves, मेरा B आंसर हो गया। चलिए दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो नोट्स होते हैं, जो मेरे नोट्स होते हैं मैं आपको डाल दिया करूंगा अपने साइट पे, वहाँ पर आप पा सकते हैं वो सब। UIDAI अंडर फायर फॉर FIR अगेंस्ट स्क्राइब। सवाल देखते हैं पहले हम लोग आधार पे। विथ रेफरेंस टू आधार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ अ 12 करेक्टर अल्फा नोमेरिक नंबर। दोस्तों इसमें केवल न्यूमेरिक होता है, इट इज़ नॉट अल्फा नोमेरिक, इसमें कोई अल्फावेट नहीं होता है। दिस आधार इज इशूड बाई UIDAI टू द रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। ध्यान सुनना, अगर मैं कहूँ कि सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली तो ये बात गलत होगी। जो भी लोग भारत में रह रहे हैं, चाहे वो भारत के लोग हों या फिर वो कोई विदेशी नागरिक हो, उसे ये आधार मिलेगा। इसी कारण से जो आधार है वो आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। आप आधार को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये फॉरनर को भी अलाउड है, उसे भी मिलेगा अगर वो भारत में रह रहा है तो। मेरा पहला हो गया गलत। UIDAI इट इज़ अ एसेसरी बॉडी एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द नंबर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, मेरा सेकंड सही है। एनी इंडिविजुअल हु इज़ रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इनरोल फॉर आधार। जी हाँ जी बिल्कुल, थर्ड मेरा सही है। क्या आंसर दोस्तों? सी, टू एंड थ्री ओनली आर करेक्ट। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजिटल पेमेंट रेगुलेशन इन इंडिया। रतन वत्तल कमेटी हैड रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सेपरेट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, करेंटली डिजिटल पेमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय RBI। जी हाँ ये भी सही है, करेंटली दिस पेमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय द RBI इन इंडिया, मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है? सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। अगला सवाल,
AEPS ये क्या दोस्तों, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में सवाल देखिए। अ पर्सन सीकिंग टू एग्जीक्यूट ए ट्रांजैक्शन नीड नॉट नो हर हर आधार नंबर, हर फिंगरप्रिंट इंप्रेशन विल सफाइस, नहीं, अगर आपको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना है तो आपको आपका जो आधार नंबर है वो चाहिए, और आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए, मतलब आपको ये बताने के लिए कि वो आधार नंबर आपका ही है, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो भी चाहिए। मेरा फर्स्ट गलत हो गया। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज रिमिटेंस एंड बैलेंस इंक्वायरी कैन बी डन। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट, डेबिट, रिमिटेंस, बैलेंस इंक्वायरी, ये सारे काम कर सकते हैं आप AEPS से थ्रू माइक्रो ATMs विच आर डिप्लॉयड बाई बैंक्स इन देयर विलेजेज। क्या होता है, जो रेसिडेंट हैं दे प्रोवाइड हिज आधार नंबर एंड डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कितना पैसा भेजना है, जमा करना है वगैरह वगैरह, एंड उनका जो फिंगरप्रिंट है वो चाहिए उनके ऑथेंटिकेशन के लिए। मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर क्या है, बी टू ओनली इज करेक्ट। अगला सवाल, विथ रेफरेंस टू NSFDC नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट लिविंग बिलो डबल द पॉवर्टी लाइन लिमिट। जी हाँ दोस्तों, मेरा पहला सही है, ये पा सकते हैं यहाँ पे। जो NSFDC वो क्या है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो स्टेब्लिश किया गया है कंपनी एक्ट के अंतर्गत। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। इट गिव्स प्रायोरिटी टू वुमेन वाइल डिसबर्सिंग लोन्स एंड इट ऑल्सो हैज सेपरेट लोन स्कीम फॉर वुमेन। तीन स्कीम्स हैं, कौन कौन सा, महिला समृद्धि योजना, महिला किसान योजना एंड नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना। मेरा सेकंड सही है, इट वर्क्स अंडर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया, मेरा थर्ड सही है, क्या है आंसर, डी 1, 2 and 3 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द श्रम सुविधा पोर्टल, ये दोस्तों पोर्टल बनाया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। तो देखिए, ये जो पोर्टल क्या करेगा, ये जो यूनिट्स हैं उनको LIN प्रोवाइड करेगा। ये क्या होता है, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मेरा पहला सही है। फाइलिंग ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेटेड सिंगल ऑनलाइन रिटर्न बाय एस्टेब्लिशमेंट, अलग अलग रिटर्न नहीं फाइल किए जाएंगे, केवल एक फाइल किया जाएगा, मेरा सेकंड सही है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट बाय इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स, जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा, जो इंस्पेक्टर राज है उस पर कंट्रोल आएगा। मेरा क्या आंसर है यहाँ पर, डी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा हमें बताइए। अब दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।